हेलो गाइस वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस हमारी बीएड की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जिसमें आज का सब्जेक्ट हमारा रहने वाला है हिंदी शिक्षण हिंदी की यह सत्रहवीं क्लास है इसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा गद्य शिक्षण किसे बोलते हैं उसका क्या अर्थ होता है कौन कौन से पद रहते हैं अगर आप बच्चों को गद्य पढ़ा रहे हैं क्या उद्देश्य होते हैं हमारे गद्य पढ़ाने के इसके अलावा कौन कौन सी विधियां हम गद्य शिक्षण में प्रयोग करते हैं उनको पढ़ाते टाइम यह सब हम इस वीडियो में आज की कवर करने वाले हैं बी के एग्जाम की बात की जाए लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि आपके तीन चार ही शिक्षण होते हैं गद्य शिक्षण पद्य शिक्षण और इसके अलावा आपका व्याकरण शिक्षण इनमें से कोई ना कोई शिक्षण हमेशा आता ही है अगर आप गद्य शिक्षण की बात कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा सबसे पहले गद्य के बारे में बता देते हैं हम अच्छा रहेगा गद्य क्या होता है गद्य एक साहित्यिक रचना होती है यह एक ऐसी साहित्यिक रचना होती है जो व्याकरण के नियम और व संरचनाओं का पालन करती है ऐसी रचना जिसके जो वाक्य हैं व्याकरण के नियम के अनुसार हो उनके वाचन में गायन वगैरह लय बदरस छंद अलंकार ऐसी चीज न हो उसे हम गद्य बोलते हैं ऐसी रचना जो व्याकरण के नियमों के अनुसार हो और जिसमें ज़्यादा राइमिंग वगैरह लय वगैरह न हो वह गद्य कहलाती है कॉलरेज के अनुसार सर्वोत्तम क्रम में शब्दों का समूह ही गद कहलाता है मतलब जो सर्वोत्तम समूह है बेस्ट ऑर्डर है शब्दों का अकॉर्डिंग टू ग्रामर व्याकरण के अनुसार सर्वोत्तम क्रम में शब्दों का जो समूह है उसे हम गद बोलेंगे गद का कोई एक अंश गद्यांश कहलाता है अब हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन सा बन गया जैसे अगर गद्यांश या गद की बात करें तो हम ऐसा होता है हमारे जो चैप्टर होते हैं पार्ट होते हैं कहानियाँ होती हैं वे हमारा गद्यांश और गद का हिस्सा होता है अब बात कर लेते हैं गद्य शिक्षण क्या होता है बच्चों को किसी गद्यांश को पढ़ाना या उसका ज्ञान देना ही हमारा गद्य शिक्षण कहलाता है गद्य शिक्षण में पहले क्या किया करते थे हम प्राचीन टाइम में बच्चों को रटवा दिया करते थे बार बार बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो बच्चे रट लेते थे टीचर समझता था अब ठीक बात है इसने पढ़ लिया लेकिन वर्तमान में मनोविज्ञान के नियमों का पालन किया जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जिस वजह से गद्य शिक्षण जो प्रक्रिया है वह अब थोड़ी सी कठिन हो गई है इसके लिए हमें एक प्रॉपर लेसन प्लान चाहिए पाठ योजना अगर हम गद पढ़ाना चाहते हैं तो हमें एक प्रॉपर पाठ योजना बनानी पड़ेगी वह पाठ योजना भी मनोविज्ञान के नियमों के अनुसार होने चाहिए और उसको बनाते समय भी काफ़ी सारी चीज़ों को एक शिक्षक को ध्यान रखना होता है पाठ योजना क्या होती है इसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी वीडियो आपकी बना ही चुका हूँ किसी पाठ को पढ़ाने के लिए जो आप प्लानिंग करेंगे उसे पाठ योजना कहेंगे अब इस पाठ योजना को बनाने के लिए एक शिक्षक बहुत सारी तैयारियां करता है या बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखता है जैसे सबसे पहले वह इस बात का ध्यान रखता है किस क्लास को पढ़ाने वाला है ऐसा तो नहीं है सिक्स क्लास को वह पढ़ा रहा है और तैयारी कर ली उसने ट्वेल्थ क्लास की तो वह बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे कुछ दूसरा पॉइंट हो जाता है हमारा बच्चों का क्या इंटरेस्ट है बच्चों को किस टॉपिक में अधिक इंटरेस्ट आता है या किस विधि में अधिक इंटरेस्ट आता है उस विधि का हम प्रयोग करेंगे दूसरा हो जाता है नेक्स्ट हो जाता है हमारा बच्चों का क्या स्तर है लेवल उनका ज्ञान कितना है किस लेवल के बच्चे हैं हमारे जिन्हें आज हम पढ़ाने वाले हैं शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं हमारे उन उद्देश्यों के अनुसार भी हम अपनी पाठ्य योजना बनाते हैं बच्चों का पूर्व ज्ञान कितना है जो बच्चों का पूर्व ज्ञान है उसी के आधार पर हम नवीन ज्ञान के रूप में अपनी पाठ्य योजना बनाते हैं ऐसी ऐसी चीजों चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना बनाते टाइम अब बात कर लेते हैं आपके गत शिक्षण के कौन कौन से पद होते हैं ये पद आपके लगभग अलग अलग मिल जाते हैं हर जगह देखने को क्योंकि एन और एन ने कोई स्पेशल फिक्स पैटर्न नहीं बनाया है आप कोई भी चीज़ पढ़ाना चाहते हैं तो आपको बांध दिया खूटे से इसी पैटर्न का फॉलो करना है नहीं उन्होंने बोला हुआ है अपने अनुसार कुछ भी पढ़ाओ कैसे भी तरीके से पढ़ाओ शिक्षण विधि हमने आपको दे दी है इन शिक्षण विधियों में से किसी का भी प्रयोग करो किसी भी पैटर्न का प्रयोग करो लेकिन ये चीज़ें आपको बतानी ही हैं इस तरह से कुछ तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या एक आधा स्टेप कम ज़्यादा आपको मिल जाएगा आपके पेपर में गद्य शिक्षण के पद आएँ या फिर गद्य शिक्षण की पाठ योजना बनाने के कौन कौन से पद होते हैं वे आए आंसर आपका सेम ही रहेगा जो लिखा हुआ है यहाँ पर वही रहेगा सबसे पहला पद हो जाता है हमारा तैयारी अब हम कक्षा में जाने से पहले तैयारी करते हैं किसी भी पाठ को पढ़ाने की जैसे कि उस पाठ का चयन करेंगे हम उद्देश्यों का चयन करेंगे शिक्षण विधियों का चयन करेंगे शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करेंगे कि सामग्री के द्वारा मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को ऐसी ऐसी चीज़ों की तैयारी करते हैं क्लास में जाने से पहले ही वह पद हो जाता है हमारा तैयारी इसमें हम क्या करते हैं पाठ योजना बनाने की या फिर बच्चों को जो हमें पढ़ाना है उसकी तैयारी करते हैं दूसरा पद हो जाता है हमारा प्रस्तावना यहाँ पर हम क्या करते हैं कक्षा में आ जाते हैं पढ़ाते टाइम इसमें हम क्या करेंगे बच्चों का पूर्व ज्ञान चेक करेंगे बच्चों को कितना पूर्व ज्ञान है और उस पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ेंगे इसके लिए हम क्या करते हैं कुछ प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं जैसे नदियाँ किसे कहते हैं पानी कहाँ से मिलता है हमें नदियाँ कहाँ से चलती हैं बच्चे कहेंगे पहाड़ों से पर्वतों से ठीक बात है आज हम पर्वतों का अध्ययन करेंगे जैसे मान लेते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है पर्वत है तब हम कुछ पर्वत से संबंधित प्रश्न पूछेंगे कुछ पर्वत से पहले नदी वगैरह से प्रश्न पूछ लेंगे हम जो आपका पत्थर वगैरह नदी वगैरह ये क्या होते हैं थर्ड पॉइंट है हमारा उद्देश्य कथन इसमें हम बताते हैं बच्चों को आज हम क्या पढ़ने वाले हैं जैसे कि बच्चों आज हम पर्वत प्रकरण का अध्ययन करेंगे या बच्चों जिस पाठ को आज हम पढ़ने वाले हैं उस पाठ का नाम है पर्वत इस तरह से यहाँ पर हम उस पाठ का नाम बताते हैं चौथा पॉइंट हो जाता है हमारा आदर्श वाचन अब शिक्षक क्या करता है जो भी हमारा आज का गद्य होता है गद्य पढ़ा रहे हैं ना हम तो जो भी हमारा गद्य है उस गद्य को हम पढ़ाएंगे तब आदर्श वाचन का जो यह पद है इसमें एक शिक्षक क्या करेगा उस पूरे पाठ को पढ़ेगा पूरे नियम के साथ पढ़ेगा इसे ही हम एक तरह से मानक वाचन भी कह देते हैं क्योंकि मानक विधियों के द्वारा पूरे व्याकरण के नियम के अनुसार वह पढ़ता है किस शब्द पर ज्यादा जोर देना है किस शब्द पर कम जोर देना है कौम आए तो थोड़ा रुको पूर्ण विराम आए तो ज़्यादा रुको ऐसी बातों का ध्यान रखते हुए वह पूरे अच्छी तरीके से उस पाठ को पढ़ता है पांचवा पॉइंट हो जाता है हमारा अनुकरण वचन अब शिक्षक ने उस पाठ को एक बार पढ़ दिया बच्चों ने उसे ध्यान पूर्वक सुना अब क्या करेंगे वे बच्चे पढ़ेंगे पांचवे पॉइंट में टीचर क्या कहता है बच्चों से अब आप इस पाठ को पढ़कर सुनाइए अलग अलग बच्चों से वह अलग अलग पैरा पढ़वा सकता है पेज पढ़वा सकता है उसकी मर्जी जैसे भी वह पढ़वाए उसे कुछ बच्चों से उस पाठ को पढ़वाना है वाचन करवाना है अब जब बच्चे इस पार्ट को पढ़ेंगे तो वे गलत प्रोनाउंस भी करेंगे शब्दों का गलत उच्चारण करेंगे कुछ शब्द ऐसे भी मिलेंगे उन्हें जिनका उन्हें अर्थ नहीं पता तब हम तब हम क्या करेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, उच्चारण संशोधन बच्चों का जो उच्चारण गलत हुआ है उस गलत उच्चारण को सही करवाएंगे जिन शब्दों को बच्चे गलत बोल रहे थे उन शब्दों को हम सही उच्चारण बताकर सही तरीके से बोलेंगे और बच्चों से बुलवाएंगे आठवां नंबर आ जाता है हमारा कठिन्य निवारण इसमें हम क्या करते हैं बच्चों ने उच्चारण किया है हर शब्द का उन्हें अर्थ नहीं पता था जिस वजह से हम क्या करेंगे बच्चों के सामने जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ निकलवाएंगे कठिन्य निवारण में हम क्या करते हैं बच्चों को अर्थ नहीं बताते बस हम ऐसी गतिविधियां करते हैं कि बच्चे स्वयं अर्थ हमें बता दें अर्थ बच्चे ही बताएंगे बस हमें कुछ ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जिससे बच्चे उस अर्थ को निकाल लें और इस विधि को हम कहते हैं या इस कार्य को उद्बोधन विधि इसे हम अभी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पद हो जाता है हमारा मौन वाचन यहाँ पर चौथे नंबर पर शिक्षक ने क्या किया पाठ खुद पढ़ा बच्चों को पता चल गया इस पाठ को कैसे पढ़ना है पाँचवें नंबर पर बच्चों ने वह पाठ पढ़ा बच्चों के पढ़ने में जो समस्या आई उच्चारण संबंधी समस्या है जो हमने दूर कर दी शब्दों संबंधी समस्याएं हमने यहाँ पर दूर कर दी अब बच्चों के क्या हो गया उच्चारण भी सुधर गया शब्दों का मीनिंग भी बच्चों को पता चल गया तब हम बच्चों को क्या कहेंगे अब आप मौन वाचन करिए मौन वाचन क्यों करवाते हैं हम जिससे बच्चे उस पाठ का अर्थ समझ लें यहाँ पर बच्चों ने क्या किया मौन वाचन किया मन मन में उस पाठ को पढ़ा सभी बच्चों ने उन्होंने उस पाठ का अर्थ समझ लिया अब हम बच्चों से क्या करेंगे बोध प्रश्न करेंगे ऐसे प्रश्न जिनसे हम यह पता लगा सकें कि क्या बच्चों ने इस पाठ का अर्थ समझ लिया है कुछ ऐसे प्रश्न करेंगे हम उनसे ग्यारहवा पाठ हो जाता है हमारा श्यामपट सरांस इसमें हम क्या करेंगे या तो किसी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं इसके अलावा कोई कवि के बारे में कुछ लिख सकते हैं लेखक के बारे में कुछ लिख सकते हैं या फिर जो हमारा पाठ है उस पाठ के बारे में बोर्ड पर कुछ लिख सकते हैं बोर्ड पर कुछ भी लिखेंगे हम बच्चों से कहेंगे जो हमने लिखा है इसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में अपनी कॉपी में उतार लीजिए बच्चे इसे अपनी कॉपी में उतार लेंगे श्याम्पट सारांश से क्या होता है बच्चों के लेखन कौशल जो है लेखन कौशल उसका विकास होता है बच्चों के श्याम्पट सारांश का अब हमने पाठ पढ़ा लिया है अपना हमने पर सारांश भी दे दिया है सब कुछ हो गया है अब हम पुनरावर्ती प्रश्न पूछेंगे ऐसे प्रश्न पूछेंगे हम बच्चों से जिनसे जो आज हमने पाठ पढ़ाया वह रिवाइज हो जाए कुछ ऐसे प्रश्न पूछेंगे प्रश्नों का उत्तर देंगे बच्चे जिससे आज बच्चों ने जो पाठ पढ़ाया वह दोबारा रिपीट हो जाए लास्ट में हम बच्चों को, को कोई क्वेश्चन कुछ भी हम गृह कार्य देंगे गृह कार्य बच्चे घर से कर कर लाएंगे और यह है हमारा गद्य शिक्षण के पद या गद्य शिक्षण का अगर आप लेसन प्लान बनाना चाहते हैं पाठी योजना उसके पद हमारे यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं अब बात कर लेते हैं हमारी कठिन्य निवारण की कठिन्य निवारण में हम क्या करते हैं शब्दों का अर्थ निकलवाते हैं बच्चों से खुद अर्थ नहीं बताते और जो शब्दों का अर्थ निकलवाते हैं उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं उद्बोधन प्रक्रिया या फिर उद्बोधन विधि यह आपके लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है खाली इतना ही पूछ लेंगे आपसे कि उद्बोधन विधि किसे बोलते हैं इसके बारे में लिखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है यह प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो उद्बोधन विधि के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पर लिख सकते हैं और उसके बाद जो उद्बोधन विधि को पूरी करने की युक्तियाँ या तकनीकियां होती हैं उन उन्हें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं उद्बोधन विधि क्या होता है यह है, एक ऐसी विधि होती है इस विधि में हम बच्चों को सीधा अर्थ नहीं बताते बच्चों से किसी शब्द का अर्थ निकलवाते हैं हम कुछ काम ऐसे करेंगे कक्षा में कुछ बात ऐसी बताएंगे कुछ गतिविधि ऐसी करेंगे कुछ चीज़ ऐसी दिखाएंगे जिससे बच्चे उस चीज़ का अर्थ समझ जाएं। जो शब्द बच्चे नहीं समझ पा रहे थे इसके लिए हम कौन कौन सी तकनीकें अपनाते हैं पहला तो हमारा यह हो जाता है प्रत्यक्ष वस्तु का प्रदर्शन हम वही चीज़ उन्हें दिखा दें बच्चों ने हमसे कहा सर अनानास क्या होता है अनानास आ गया इस पाठ में हमें तो पता ही नहीं अनानास क्या होता है हम क्या करेंगे अनानास लाकर दिखा सकते हैं या फिर उसे हम पहले से ही ला सकते हैं हमें पता है अनानास एक शब्द हमारे पाठ में है आज हम उसे पढ़ाने वाले हैं तो बच्चों को अनानास नहीं पता होगा हम उसे पहले ही अपने झोले में डालकर ला सकते हैं जो बात है प्रत्यक्ष क्रिया अंग संचालन मतलब अंगों को चलाकर हम कोई प्रत्यक्ष क्रिया करके दिखा सकते हैं बच्चों से जिससे बच्चे समझ जाएं उस शब्द का क्या अर्थ है बच्चों को नहीं पता क्रोध शब्द का क्या अर्थ है हम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष क्रिया कर सकते हैं गुस्सा होकर दिखा सकते हैं किसी बच्चे के साथ गुस्सा हो सकते हैं उससे कोई क्वेश्चन आंसर करके या डायरेक्ट ऐसे ही हम अपने अंग संचालन चेहरे वगैरह के द्वारा गुस्सा होने की मुद्रा बना सकते हैं जिससे बच्चे समझ जाएं अच्छा क्रोध का मतलब ये होता है हमें तो पता ही नहीं था नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है हमारा मॉडल के द्वारा लाल किला आ गया ताजमहल आ गया किसी बच्चे ने कह दिया मुझे तो पता ही नहीं सर ताजमहल क्या होता है हम क्या कर सकते हैं ताजमहल का एक मॉडल ला सकते हैं बाहर से प्लास्टिक का छोटा सा ताजमहल ला सकते हैं उसे दिखाने के लिए इससे बच्चों को पता चल जाएगा अच्छा ताजमहल ये होता है अच्छी बात है भाई नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है हमारा व्युत्पत्ति के द्वारा हम शब्दों की उत्पत्ति बता देते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है किस भाषा से आया है या फिर किन शब्दों के द्वारा बना है इससे भी बच्चों के अर्थ काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है जैसे मान लेते हैं हमें शिक्षा शब्द का अर्थ बताना है बच्चों को शिक्षा शब्द का अर्थ नहीं पता तो हम बताएँगे बच्चों यह सिक्स धातु से बना है अब इसके लिए उन्हें संस्कृत आनी चाहिए अगर संस्कृत आती होगी बच्चों को बता देंगे सर शिक्षा का मतलब तो पढ़ना होता है अच्छा तो शिक्षा का मतलब हो जाता है कुछ पढ़ने संबंधी क्रिया हो जाती है शिक्षा इस तरह भी बच्चे अर्थ निकाल लेते हैं इसके अलावा एक शब्द है हमारा पाठ्य वस्तु हमें नहीं पता पाठ्य वस्तु क्या होता है हम बोलते हैं कि पाठ्य वस्तु दो शब्दों से बना है पाठ्य से बना है एक तो और वस्तु से बना है बच्चों पाठ्य का क्या मतलब होता है बच्चे कहेंगे पाठ्य तो मतलब सर पढ़ना होता है हाँ पाठ्य पढ़ना हुआ वस्तु क्या हुआ कोई चीज़ पढ़ने की कोई चीज़ या पढ़ने की व्यवस्था जो भी हमारी होगी वह पाठ्य वस्तु कहलाएगी वह शब्द तो कैसे बना है इसकी जानकारी देकर हम बच्चों से अर्थ निकलवा सकते हैं संधि विच्छेद कर सकते हैं हम सीधा सीधा सा किसी भी चीज़ का संधि विच्छेद कर सकते हैं जैसे देवालय है बच्चों को नहीं पता देवालय का अर्थ क्या होता है देव प्लस आल्य बच्चों देव का अर्थ क्या होता है देव तो सर भगवान को बोलते हैं ना हाँ भगवान आल्य किसे बोलते हैं अल्लः तो जी घर को बोलते हैं ठीक है देवालय मतलब भगवान का घर या फिर देवों का घर इस तरीके से जो आंसर है वह बच्चे ही निकालते हैं आप नहीं निकालते समास विग्रह कर सकते हैं जो समासिक पद आया है उसका समास विग्रह कर सकते हैं जैसे लंबोदर सर लंबोदर किसे बोलते हैं का आप समास भी कर सकते हैं लंबा है जिसका उदर, मतलब जिसका उधर मतलब पेट बाहर हो तो बच्चे खुद सोचेंगे अरे सर गणेश भगवान का पेट बाहर है हाँ जो भी चीज है उसे आप आप खुद सोचो अर्थ हमें नहीं बताना अर्थ तुम्हें खुद निकालना है उपसर्ग प्रत्यय किसी शब्द के उपसर्ग या प्रत्यय को अलग करके भी आप बता सकते हैं सर असत्य किसे बोलते हैं हमें नहीं बता बच्चों ने यह क्वेश्चन पूछ लिया आप कहेंगे आ हटा दो इसमें से बताओ क्या बना सर सत्य बना सत्य का क्या मतलब होता है अच्छी बात सही बात जो हमेशा सच बोले वो वो सत्य कहेंगे हम आ का मतलब होता है उल्टा इसके बिल्कुल विपरीत अब हमने आ लगा दिया अब बताओ बच्चों इसका क्या अर्थ हुआ बच्चे कहेंगे जो सत्य न हो जो हमेशा सच न बोले अब बच्चे क्या हुआ बच्चों को बच्चे अर्थ समझ गए इसका तुलना कर सकते हैं हम दूसरे शब्दों से श्रेष्ठ है श्रेष्ठ क्या होता है बच्चों ने यह पूछ लिया अब आप इसकी अच्छे से तुलना कर सकते हैं कि एक तो होता है अच्छा और जो बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा हो उसे आप क्या कहेंगे बच्चे कहेंगे सर जी श्रेष्ठ कह देंगे तो हमने इसकी तुलना कर ली अच्छे से नेक्स्ट हो जाता है हमारा वाक्य में प्रयोग आप वाक्य में प्रयोग करके बता सकते हैं सर जी रचना क्या होता है हमने तो रचना आज तक कभी पढ़ाई नहीं आप क्या करेंगे रचना का वाक्य में प्रयोग कर देंगे मैंने अभी अभी, अभी एक पुस्तक की रचना की है या उस लेखक ने एक कविता की रचना की है इस तरह के वाक्य शाम पठ पर लिख देंगे बोर्ड पर बच्चे समझ जाएंगे कि अच्छा रचना का मतलब होता है कुछ बनाना आप उस शब्द के पर्यायवाची शब्द बता सकते हैं सर जी धरा किसे बोलते हैं धरा के जो पर्यायवाची होते हैं वे होते हैं आपके धरती भू भूमि अब बच्चे अच्छा कहेंगे अच्छा सर जो जो हमारी पृथ्वी होती है उसे ये हम धरा बोलते हैं क्या ठीक बात है तो अर्थ बच्चे खुद निकालेंगे ठीक इसी प्रकार हम विलोम बता सकते हैं सर अच्छा क्या होता है बुरे का विलोम होता है अच्छा बुरे का उल्टा सब समझ अच्छा मतलब जो बुरा नहीं है जो सही काम करे इस तरह से हम उसके अर्थ की व्याख्या कर सकते हैं सर श्रेष्ठ किसे बोलते हैं या फिर ज्ञानी किसे बोलते हैं इस तरह के शब्द बच्चे पूछ ले तो आप क्या बताएंगे मतलब जिस जो बहुत पढ़ा लिखा हो आप व्याख्या करेंगे उसकी अब बाद में बच्चे क्या करेंगे अच्छा सर जिसे बहुत ज़्यादा ज्ञान है वह ज्ञानी हुआ हम समझ गए अर्थ बच्चे खुद बताएंगे आपको बस आप उन तकनीकों का प्रयोग करेंगे जिनके माध्यम से अर्थ आपका निकल जाए यह विधि हो जाती है आपकी उद्बोधन विधि लॉन्ग क्वेश्चन में आपका काम चल जाएगा इंट्रोडक्शन में आप इतना लिख सकते हैं जो नीचे लिखा हुआ है इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा आप यहाँ पर लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में बाकी आपकी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह हेडिंग बनती हैं तकनीकों की और बारह हेडिंग में आप तीन तीन चार चार लाइन भी लिखते हैं तो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा अब बात कर लेते हैं गद्य शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं अगर आप बच्चों को गद्य पढ़ा रहे हैं कक्षा में तब कौन कौन सी विधियों का पालन करेंगे या किन विधियों के द्वारा आप पढ़ाएंगे सबसे पहली विधि हमारी हो जाती है अर्थबोध विधि या फिर अर्थबोध शिक्षण विधि इसे हम प्राइमरी क्लासेस में प्रयोग करते हैं प्राथमिक कक्षाओं में प्राथमिक कक्षाओं, कक्षाओं में आपके जो गद्य मिलता है बच्चों को गद्य मिलता है या जो कहानी मिलती है पाठ मिलता है वह बहुत अधिक आसान होता है ऐसा होता है जैसे कि मैं रोज़ विद्यालय जाता हूँ विद्यालय में मुझे शिक्षक पढ़ाते हैं वहाँ मुझे मेरे दोस्त मिलते हैं दोस्तों के साथ मैं खूब खेलता हूँ और चार बजे मेरी छुट्टी हो जाती है इस तरह के पाठ आपको मिलेंगे प्राइमरी क्लास में अब पाठ जो ऐसे हैं प्राइमरी क्लास में उनकी आपको एक्सप्लेन करने की व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बस आप क्या करते हैं उस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं कठिन शब्द उन कठिन शब्दों का आप अर्थ बता देते हैं अनेक विधियां हमने पीछे पढ़ी हैं किनके द्वारा बच्चे को आप अर्थ बता सकते हैं मतलब सीधा सीधा अर्थ तो नहीं बता सकते प्राइमरी में तो आप थोड़ा बहुत बता भी सकते हैं सेकेंडरी में तो बिल्कुल भी, भी नहीं बता सकते या तो आप बच्चों को अर्थ बता सकते हैं प्राइमरी क्लास है या फिर कुछ काम करके कोई क्रिया करके बच्चों से अर्थ निकलवा सकते हैं और इस अर्थ निकलवाने की प्रक्रिया का हम उद्बोधन विधि कहते हैं इस वजह से कह देते हैं जो हमारी अर्थबोध विधि है या उद्बोधन विधि जैसी ही एक प्रक्रिया है इसमें हमने क्या किया बच्चों को कठिन शब्दों का अर्थ समझा दिया और जब कठिन शब्दों का अर्थ बता दिया इजी तो वह लिखा ही हुआ है उसका अर्थ बच्चे खुद समझ लेंगे हम क्या करते हैं उसके पठन पठन तथा श्रवण सेवन पर बल देते हैं वो गद्य के जो बच्चों को पाठ है बार बार पढ़वाएंगे बार बार उन्हें सुनवाएंगे पढ़ने और सुनने से भाषा आ जाती है हम उन्हें भाषा सिखाते हैं प्राइमरी में न कि वो गद्य पढ़ना सिखाते हैं अब बात कर लेते हैं आपके सेकेंडरी क्लासेस की इसमें हम क्या करेंगे व्याख्या प्रणाली का प्रयोग करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि जो बच्चे हैं में बड़े हो गए हैं और जो हमारा गद्य हमें मिला है उस गद्य को भी हम सिंपल गद्य कहें तो पता नहीं क्या होगा गद्य जो हमारा है वह हिंदी में ही नहीं होता मोस्टली आपका खड़ी बोली वगैरह दूसरी भाषा में होता है भाषा तो नहीं कहेंगे उसे बोली कहेंगे खड़ी बोली वगैरह दूसरी बोली में होता है उसका अर्थ निकालना पड़ता है इस वजह से शिक्षक क्या करता है सेकेंडरी क्लास में आपकी माध्यमिक कक्षाओं में जब आपको गद्य पढ़ाता है तो वह उसकी व्याख्या करता है जो लाइनें लिखी हैं उन लाइनों की व्याख्या करता है उसके लिए वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीचिंग एड का प्रयोग करता है अनेक उदाहरण देता है सामग्री का प्रयोग करता है अपनी बात को समर्थन देने के लिए या अपनी बात समझाने के लिए उदाहरणों का भी प्रयोग करता है कई सारी चीज़ें करता है बच्चों को व्याकरण का भी ज्ञान देता है क्योंकि हम क्या करते हैं व्याकरण का भी ज्ञान कराते हैं माध्यमिक कक्षाओं में तो व्याख्या करते टाइम जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण है उपसर्ग प्रत्यय संधि समास इनका भी ज्ञान देगा अर्थबोध विधि में क्या होगा हम बस कठिन शब्द बता के बच्चों को छोड़ देंगे बोलो पढ़ो सुनो जो भी करना है व्याख्या प्रणाली में क्या होगा टीचर बोलेगा एक्सप्लेन करेगा आपको गद्य को बस आप चुपचाप बैठकर सुनते रहेंगे यह वाख्या यह आपकी व्याख्या प्रणाली हो जाती है अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि बच्चे निष्क्रिय हैं ऐसा कोई भी काम जिसमें बच्चे चुपचाप बैठे हैं वह अच्छा नहीं माना जाता बच्चों को कुछ ना कुछ करना चाहिए नेक्स्ट विधि हमारी हो जाती है विश्लेषण विधि इसे हम बोलते हैं प्रश्नोत्तर विधि बोल देते हैं इसमें हम क्या करते हैं एक बार एक टीचर ने पाठ पढ़ दिया जो हमारा गद्य है वो एक बार टीचर ने पढ़ दिया ठीक बात है चाहे तो हम बच्चों से पढ़ा सकते हैं क्योंकि बच्चों से हमें पढ़ाना होता है हमने बच्चों से भी पढ़ा लिया अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों से पहले पैरे के बारे में क्वेश्चन आंसर पूछेंगे अच्छा इसमें बताऊं वहाँ पे क्या हुआ था हल्कू ने क्या किया था हल किसका टूट गया था हल कौन चला रहा था क्यों चला रहा था अगर वह हल ना चलाता तो क्या होता है इस तरीके से क्वेश्चन आंसर करके बच्चों के पूरा पार्ट समझ में आ जाएगा हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे बच्चे आंसर देंगे कुछ हद तक बच्चे भी क्वेश्चन करेंगे सर यह बता दीजिए यह क्या हुआ था क्यों हुआ था तब हम आंसर करेंगे उसका क्वेश्चन आंसर करते हैं विश्लेषण करते हैं उस चीज़ का हम प्रश्नोत्तर के द्वारा इससे बच्चे उसे समझ जाते हैं जो हमारा गद्य है इसमें क्या है बच्चे सक्रिय हैं क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं बच्चे चुपचाप बैठे नहीं है इस वजह से यह प्रणाली उत्तम मानी जाती है क्योंकि बच्चे सक्रिय हैं नेक्स्ट हमारी विधि हो जाती है समीक्षा प्रणाली इसमें क्या करता है टीचर उस पाठ को पढ़ा दिया गद्दे को पढ़ा दिया टीचर ने बोल दिया एक बार पढ़ दिया बच्चों से पढ़वा लिया अब टीचर क्या करेगा उस लेखक के बारे में बताएगा वह लेखक क्या क्या काम करता था मतलब उस लेखक की जो रचनाएं हैं उनकी शैली कैसी है लिपि कैसी है वह है आपका किस प्रकार का लेखक है किस तरह की उसने रचनाएं लिखी हुई हैं इसके अलावा यह है जो पाठ हम पढ़ रहे हैं इस पाठ की शैली वगैरह थोड़ी बता सकते हैं इस पाठ के संदर्भ ग्रंथ बता सकते हैं कि जो पाठ आप पढ़ रहे हैं यह पाठ उस लेखक की कि किस रचना में से लिया गया है अब उसे हम संदर्भ ग्रंथ बोलते हैं संदर्भ ग्रंथ मतलब कोई चीज़ कहाँ से ली गई है अब जब हमने बच्चों को उस पाठ का जड़ चेतन उस लेखक का जड़ चेतन सब कुछ बता दिया अब हम बच्चों को छोड़ देते हैं अब उस पाठ को खुद पढ़ो उसकी शैली समझो लिपि समझो उसका अर्थ समझो खुद समझो क्योंकि हमने आपको इतिहास बता दिया है इस पाठ का इतिहास से आप वर्तमान का अंदाज़ा खुद लगाओ इसमें क्या करते हैं बच्चा अध्ययन करते हैं पाठ्य वस्तु का उसके गुण दोषों का विवेचन करते हैं खुद काम करते हैं खुद समझते हैं उसको हम यह विधि अच्छी मानी जाती है क्योंकि इस विधि में बच्चे सक्रिय हैं और खुद कुछ कर रहे हैं लास्ट हमारी विधि हो जाती है संयुक्त प्रणाली या फिर संयुक्त विधि अब कोई भी एक विधि पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं है और पूरी तरीके से बेकार नहीं है जिस शिक्षक को जिन बच्चों के साथ जिस विधि की जरूरत पड़े उस विधि का उसे प्रयोग कर लेना चाहिए इस विधि को ही हम कह देते हैं संयुक्त विधि संयुक्त प्रणाली आपकी सरकारी नौकरी लग गई इंस्पेक्शन के लिए आपके वीडियो वगैरह आ गए आपसे किसी ने पूछा क्या पढ़ा रहे हैं आप सर गद्य पढ़ा रहा हूँ कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं गद्य पढ़ाने के लिए आप कह सकते हैं संयुक्त प्रणाली आपका पीछा छूट जाएगा सर जिन बच्चों के लिए जो उन प्रणाली जो उन विधि मुझे अच्छी लगती है उसका प्रयोग मैं कर लेता हूँ लास्ट पॉइंट है आज का हमारा गद्य शिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य हैं इतनी मेहनत हम जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं लेसन प्लान बना रहे हैं पाठ पढ़ा रहे हैं विधियों का प्रयोग कर रहे हैं पदों का चयन कर रहे हैं क्यों हमारे क्या उद्देश्य होते हैं हम बच्चों को गद्य क्यों पढ़ाते हैं पहला उद्देश्य हमारा है भाषा कौशलों का विकास करना बच्चों को इस योग्य बनाना कि वे भाषा को सुन सके समझ सके पढ़ सके लिख सके बोल सके बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करना सेकंड पॉइंट हो जाता है हमारा अब हमने क्या किया कठिन्या निवारण के द्वारा बच्चों को काफी शब्दों का अर्थ बताया इससे क्या हुआ बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि हुई थर्ड पॉइंट है हमारा भाषा के विविध रूपों से परिचित कराना अब जो मैंने कहा था बोली क्योंकि जो हमारा गद्य है वह बोली में लिखा हुआ है खड़ी बोली वगैरह में इसके अलावा किसी लेखक ने जो गद्य लिखा हुआ है वह सामान्य भाषा में किसी ने मानक भाषा में लिखा हुआ है इस तरह से हम भाषा के जो विविध रूप हैं गद्य के द्वारा बच्चों को परिचित करा सकते हैं हम बोलते भी हैं उस गद्य को सुनते भी हैं लिख कर भी दिखाते हैं कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर जो भाषा के अलग अलग रूप हैं बच्चे उनसे परिचित हो जाते हैं चौथा नंबर हो जाता है हमारा विभिन्न भाषाई संरचनाओं से परिचित कराना मतलब बच्चे भाषिक संरचनाओं की जानकारी रख सकें जो वाक्य है हमारा कैसे बना है जैसे आपका कर्ता कर्म और जो आपकी क्रिया इसे क्रिया बोलते हैं ना कि क्रिया क्रिया रह पे मात्रा है ये क्रिया कर्ता कर्म क्रिया ये ये जो आपकी भाषिक संरचना होगा इस तरह से एक आपकी चाहिए चाहिए वाली भाषिक संरचना होती है कि हमें यह करना चाहिए तो जो आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं सेंटेंस के पैटर्न होते हैं वाक्यों के जो संरचना होती है उनका ज्ञान कराते हैं हम बच्चों को इस योग्य बनाते हैं कि वे सार संक्षेपीकरण भावार्थ और व्याख्या कर सके मतलब उसका सार समझ सकें उस चीज़ का छोटा कर सकें मतलब समरी लिख सकें उस चीज़ की भाव समझ सकें उसकी व्याख्या कर सकें अपने शब्दों में इस लायक बनाते हैं कि बच्चे किसी एक लिखे हुए पैरे के साथ ये सब काम कर सके विराम चिन्हों का सही तरीके से प्रयोग कर सके बच्चे कोमा कहाँ लगेगा पूर्ण विराम कहाँ लगेगा का, जो भी है मुहावरों का शब्दों का और जो आपकी लोकोक्तियाँ वगैरह हैं उनका सही तरीके से प्रयोग कर सके एक शब्द आपका कई जगह प्रयोग होता है अलग अलग अर्थ में शब्दों का भी बच्चे अच्छे तरीके से प्रयोग कर सके आठवां पॉइंट है जो पैराग्राफ है आपके अनुच्छेद हैं उनमें बांट कर लिख सके अगर बच्चे कुछ गद्य लिख रहे हैं या कोई रचना कर रहे हैं ऐसा

किस वाक्य में किस शब्द का क्या अर्थ है और वह वाक्य किस रूप में प्रयोग हुआ है वह बच्चे खुद समझ सकें बच्चों की सृजनात्मकता वगैरह संज्ञानात्मक विकास मतलब उनके ज्ञान वगैरह में वृद्धि करना यह सब भी हमारा गद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है यह आपका गद्य शिक्षण था गद्य शिक्षण था वट्स जो भी आप कहना चाहते हैं समझ गए होंगे आई होप आप काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है यह है वीडियो आपको अच्छी लगी हो आप इसे अपने बी ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं बी की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टिल देन बाय टेक केयर